हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपके लिए एक नए वीडियो बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, मैं बोलने वाले हूँ जो अशोक लेलैंड 4019 BS4 गाड़ी है, ये गाड़ी का एक्सीलेटर प्रॉब्लम आता है और इसमें इलेक्ट्रीशियन कोई काम नहीं होता। एक्सीलेटर में पैर रखने से ही गाड़ी आपका एक्सेलेटर देने से ही गाड़ी बंद हो जाता है। तो आपका एक्सेलेटर दाबने वाला बीमारी अगर है तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप गाड़ी का चाबी स्विच ऑन करो और स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आपका एक्सेलेटर दाबने से गाड़ी बंद हो जाती है, जैसा बंद हो गया, ऐसा अगर बंद हो जाती है तो आप कोई सेंसर नहीं देखना, आपको कोई सेंसर नहीं देखना है। अगर आपका मीटर में कोई सिग्नल है तब आपको सेंसर देखना है, और नहीं तो कुछ नहीं देखना। आप सबसे पहले डीजल फिल्टर के पास जाइएगा। तो आ गए डीजल फिल्टर के पास और ये वाला पाइप आप 19 नंबर रिंग से खोल लीजिएगा। इसको खोलने के बाद यहाँ से पाम मार के देखिए यहाँ से प्रेशर कितना आ रहा। अगर यहाँ से प्रेशर सही आ रहा तो ठीक है, अगर यहाँ से प्रेशर नहीं आ रहा तो समझो ये ख़राब है, इसका फिल्टर खोल के चेक कर लेना है। और अगर ये सही है तो ये वाला वाटर जग अब खोल के दोबारा वाशर ला के लगा देना, ठीक है दोस्तों। इसका वजह से भी आपका यार ले सकता है, और ये ख़राब होने का वजह से आपका तेल भी छोड़ सकता है और आपका तेल रिटर्न जा सकता है। और दूसरा बात, फिर वहाँ से आप पंप पाइप लगा के ये वाला पाइप खोल के पंप मार के देखना यहाँ से फिर डीजल आपका प्रेशर से आ रहा कि नहीं। अगर आ रहा तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, ये वाटर सबवर्टर का हेड आपको चेक करना है। अगर यहाँ सही है पंप का पीछे, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा जो डीजल प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रीशियन प्रॉब्लम, तो आप ये वाला क्लिप बढ़िया से देखिए दोस्तों। ये वाला क्लिप आप खोल के गाड़ी स्टार्ट करिए। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपका गाड़ी स्टार्ट है, एक्सीलेटर दे रहे, एक्सीलेटर उठ रहा, सब कुछ हो रहा, तो आपका डीजल लाइन सही है। अगर आपका ये जैक लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा तो इलेक्ट्रीशियन प्रॉब्लम है, तो आप इसको खोल के एक बार चेक कर सकते हैं डीजल प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रीशियन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ से सब कुछ अगर आप चेक कर लिए फिर नहीं हो रहा तो फिर आप टंकी के पास चल जाइएगा फ्यूल। अब दोस्तों फ्यूल टैंक के पास आके ये पाइप ओपन कर लेना, ये वायरिंग ओपन कर लेना, ये वाला क्लिप ऐसे अब ऊपर उठा के उधर टालने से निकल जाएगा। और ये जो बोल्ट है ये 8 नंबर इंच लगता है, ये बोल्ट ऑल टोटल सब खोल लेना। और इसका जाली आपका अगर जाम होने से ये एक्सेलेटर प्रॉब्लम आ सकता है। ये मेन पाइप, ये रिटर्न पाइप, और ये मेन पाइप का जाली आप खोल के नीचे जाली रहता है वो जाली जाम है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका कारण से भी होता है। और दोस्तों आपका डीजल फिल्टर दोनों अगर चोक होगा इसका कारण से भी हो सकता है। और दोस्तों आपको हम बता दें, और दोस्तों ये जो सिग्नल है EDC का जो सिग्नल जलता है, ये वाला लाल वाला, ये वाला, ये तो वीडियो में पहले बना दिया हूँ, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। तो दोस्तों आपका गाड़ी का एक्सीलेटर प्रॉब्लम होता है तो आप इसका टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।